चलिए सो so, नया सेशन स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम जो डिस्कस करेंगे वो इनकम स्टेटमेंट के एक वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं तो प्रीवियस लेक्चर तक हमने डिस्कस किया था उसके फर्दर डिस्कस करने वाले हैं डिस्कॉन्टिन्यू ऑपरेशन प्रेजेंटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशन क्या है तो हम समझते हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को थोड़ा सा सिंपल भाषा में डिस ऑपरेशन सबसे पहले अपने को यह समझना पड़ेगा कि जो डिसकॉन्टिन्यू ऑपरेशन है उसकी कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट है यह आता इनकम स्टेटमेंट में ही है किसमें आएगा इनकम स्टेटमेंट्स So, अगर डिस्कॉन्टिन्यू ऑपरेशन से आपको कोई प्रॉफिट हुआ है या कोई लॉस हुआ है तो अल्टीमेटली आपको इसको स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट में ही क्या करना है प्रेजेंट करना है ना कि आपको इसको ओसीआई में नहीं डालना एक बात तो आपको सबको ये याद रखना है इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि सर डिस्कटिन्यू ऑपरेशन इज ए पार्ट ऑफ इज ए पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये ध्यान रखना कि ये इनकम स्टेटमेंट का ही पार्ट है अब सर ऑपरेशन का मतलब क्या है ये बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब आपने आपका कोई बिजनेस या लाइन ऑफ बिजनेस क्या कर लिया हो डिसू कर दिया जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको छोटा सा मेरे इंस्टीट्यूट का नाम एके पी आज से कुछ साल पहले ऑलमोस्ट टेन ईयर बैक टेन ईयर टेन ईयर से भी ज्यादा हो जाएंगे मैं चार्टेड अकाउंटेंसी की कोचिंग देता था, और मेरे का नाम था, क्या था लेकिन जब मैं चार्टेड अकाउंटेंसी मैंने दो तीन चार साल पढ़ाया साथ में मैंने सोचा कि क्यों ना यार हम इंटरनेशनल कोर्सेस भी पढ़ा लाइक like आज जैसे मैं सीपीए Yes. ये पढ़ाता हूं सी एम और वेरियस इंटरनेशनल लेकिन कोर्सिस चार्टेड अकाउंटेंट एक डिफरेंट बिजनेस ऑफ लाइन है कि नहीं क्योंकि ये डोमेस्टिक कोर्स है इंटरनेशनल कोर्स नहीं का course है इंडियन टेरिटरी का कोर्स है चार्टेड अकाउंटेंसी कोर्स अब लेट से 2010 में मैंने जनवरी से जनवरी टू जून सीए का बिजनेस किया और मेरी इनकम लेट से उसमें फिफ्टी लैख और फिर एक जुलाई से मैंने इंटरनेशनल कोर्स लाइक सीपीए सीएमए को स्टार्ट किया और वहां मेरी इनकम एट्टी फाइव लैख तो आप मुझे बताइए कि मेरी टोटल इनकम कितनी कहलाएगी सर टोटल इनकम क्या करना है सिंपल सी बात है टोटल इनकम आपकी सर एट्टी फाइव प्लस फिफ्टी इजिकल टू वन थर्टी लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी कि यूएस गैप का जो कोडिफिकेशन है वो ये बोलता है कि आप इस नेट इनकम को दिखाओ तो सही लेकिन दोनों को अलग अलग करके दिखाओ सेपरेटली दिखाओ एक दिखाओ कॉन्टिन्यू ऑपरेशन और एक दिखाओ आप डिसकॉन्टिन्यू ऑपरेशन तो आपको बात समझ में आई क्या आपको समझ में आया कि सर डिसकॉन्टिन्यू ऑपरेशन किसको बोलते हैं मैं आपकी भाषा में जानना चाहता हूं मतलब मैं सिंपल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपसे पूछूं कि आप लोग क्या अंडरस्टैंड करते हो डिस्कटिन्यू ऑपरेशन में आपके जब दिमाग में आने वाले समय में ये क्वेश्चन अराइज हो डिस्कटिन्यू ऑपरेशन और आपको एक एजे क्वेश्चन में ये लाइन लिखना हो क्या लाइन आप लिख कर आओगे तो सर हमें यह बात लिखना पड़ेगी कि एनी इनकम अगर हम हमारा कोई लाइन ऑफ बिजनेस या सेगमेंट को डिसकंटिन्यू कर देते हैं क्या कर देते हैं डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी इनकम और लॉस आएगी इट इज ए पार्ट ऑफ अ नेट इनकम इट इज ए पार्ट ऑफ नेट इनकम बट इसको हम क्या करेंगे सेपरेटली शो करेंगे तो सर आपने बोला एक लाइन ऑफ बिजनेस मेजर प्रोडक्ट कोई सेगमेंट अब सेगमेंट क्या हो सकता है जैसे मान के चलो आपका बहुत बड़ा बिजनेस है इंडिया में आप एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम देखते हो आप फॉरन का क्लाइंट को भी गुड सेल करते हो बट आपने सोचा यार फॉरेन में हमको पढ़ना नहीं तो आपने वो फॉरेन में काम करना ही बंद कर दिया किसी स्पेसिफिक जिग्रोफेरिकल एरिया में काम करना अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मान के चलिए चलिए आपको एक बहुत लार्ज मशीनरी थी लार्ज उसको आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया मुझे बताइए इस मशीनरी को डिस्पोज करने के बाद जो लॉस आया क्या मैं इसको डिसकॉन्टिन्यू ऑपरेशन मानूं या नहीं मानूं मेरा आपसे क्वेश्चन है सभी लोगों को यस और नो में आंसर लिखना है जिनको यस लिखता है लिखने में आल, आलस नहीं करना बेटा कितने लोग लिख रहे हैं डिस्कॉन्टिन्यू कितने लोग देखो कुछ लोग आलस कर रहे हैं हाँ या ना लिखने में फिर बाद में मत दिक्कत देना मेरे को मत पूछना कि सर ये समझ में नहीं आया जो आपको लगता है वो लिखना है तो सर मैंने कहीं भी ये बोला कि, कि किसी एसेट को बेचने को डिस्कंटिन्यू मानेंगे क्या मैंने ऐसा बोला है मैंने ऐसा कहीं बोला आपसे कि अगर हम किसी एसेट को भी सेल कर देते हैं तो उससे रिलेटेड गेन और लॉस हमारा डिस्कटिन्यू हो जाएगा नहीं बेटा चार बात प्रोडक्ट लाइन ऑफ बिजनेस कंपोनेंट ऑफ बिजनेस सेगमेंट इसको ही डिसकंटिन्यू करना इसको डिस्पोज ऑफ कर देना या तो आप इसको क्या कर दीजिए डिस्पोज ऑफ कर दीजिए या इसको हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दीजिए कि अब हम इसको नहीं करेंगे दो चीजें वर्ड बोल रहा हूं मैं आपने इसको क्या बोला कि हेल्ड फॉर सेल यार अगले साल आप इसको बंद कर देंगे जैसे आप मैंने डिसीजन लिया 2010 में आप कुछ बच्चे मेरे पास थे तो मैं बच्चों को ये तो नहीं बोल सकता ना कि आज से सटर बंद है आज से मैं सीपीए पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ सीए नहीं पढ़ाना मैंने उनको एक बैच पढ़ाई मेरे बेटा आपके एग्जाम के बाद मैंने अब फर्दर इनरोलमेंट लेना बंद कर दिया सो वॉट आईम दैट वेन यू आर क्लासिफाइड वन ऑफ योर लाइन ऑफ बिजनेस वन ऑफ योर मेजर प्रोडक्ट वन ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ अ बिजनेस वन ऑफ सेगमेंट ऑफ बिजनेस ईदर हेल्ड फॉर सेल और ईदर क्लास ईदर एक्चुअली डिस्पोज ऑफ दो वर्ड यूज कर रहा हूं इधर हेल्ड फॉर सेल और इधर वेन यू एक्चुअली डिस्पोज ऑफ इज क्लासिफाइड एज ए डिसकॉन्टिन्यू ऑपरेशन एंड डिसकॉन्टिन्यू ऑपरेशन का क्या कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा नाउ क्लियर मधुकर सो वॉट एम सेइंग दैट वेन यू हैव क्लासिफाइड हेल्ड फॉर सेल नाउ फर्दर सर वेन यू हैव क्लासिफाइड एनी लाइन ऑफ बिजनेस एनी मेजर कॉम्पोनेंट

Tell me net of tax income. Net of tax discontinue. So, sir, very simple. After tax, we can do this like multiply with 0 0.70. So, 35 lakh is your net of tax discontinue. Operation. So, very important net of tax. Sir, let's understand the definition. कॉम्पोनेट है ना यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ए कॉम्पोनेंट ऑफ अ डिसकॉन्टिन्यू ऑपरेशन सर ऑल ऑफ सडन देर इज ए अर्थक्विक एंड मेजर लॉसेस अराइज इन आर बिजनेस विल इट क्लासिफाई एज ए डिस्कॉन्टिन्यू और नोट अगेन में आपसे पूछ रहा हूं एक अर्थक्विक आ गया फ्लड आ गया डिस्कॉन्टिन्यू और नो फटाफट मेंशन करना है येस और नो अगेन नो डिसकटिन्यू में यह कहा बोल रहा हूं कि आई एम गोइंग टू सेल माई वन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस मैंने यह कहा बोला कि आईम गोइंग टू सेल माई बिजनेस मैंने यह कहा बोला कि आई एम गोइंग टू डिस्पोज ऑफ माइ लाइन ऑफ बिजनेस जस्ट आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा एवरी टाइम दे विल पुट सच काइंड ऑफ वर्ड्स मेजर कैपस्टोन मेजर डिस्ट्रक्शन यू डोन्ट नीड टू बी कन्फ्यूज सो लेट्स मूव फर्दर gain or loss from operation this refer to financial now another term gain or loss from operation has been disposed of or classified held for sale now i'm again one question suppose that on 31st december last day of the year last day of the year last day of the year I took a decision to discontinue my CA business. For the whole whole year, profit is continue or discontinue. One of my question on the last day of 31st December, I just decided I don't want to teach CA coaching. So for the entire year, profit is continue or discontinue on the last day. चलो इसका आंसर में अगले आग, क्वेश्चन में देता हूं लेट से ऑन नवंबर ऑन अक्टूबर फर्स्ट आई डिसाइडेड टू स्टॉप टीचिंग सीपीए सीबीए सॉरी स्टॉप टीचिंग सीए मी होल ईयर ऑपरेशन इज कंसीडर एज ए Continue, uh, discontinue, or only three months is discontinue. So, provision is that just read the provision the first day of the repeating until the date of dispose. So, it means that, sir, even last day you decided.

ल प्रॉफिट विल बी डिस अगर एक दिन भी हमने उसको बोल दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस बिजनेस फर्दर मोर यू हैव टू क्लासीफाइजिन्यू डोट नीड टू क्लासीफाइज बिकॉज यू हैव टेकन अ डिसीजन नॉट टू टीच चार्ट अकाउंटेंसी कोर्स फर्दर मोर सो नाउ वंस यूव डिसाइडेड आई नॉट गोइंग टू टीच एनी स्टूडेंट फॉर चार्ट अकाउंटेंसी कोर्स सो होल ऑपरेशन विल बी कंसिडर एज अ डिसकॉन्टिन्यू ऑपरेशन गेटिंग माई पॉइंट तो अब आप इयर वाइज बाइफरकेशन तो नहीं करेंगे इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि सर ऐसा तो नहीं करेंगे कि अक्टूबर तक टिल अक्टूबर तक कंटिन्यू एंड आफ्टर आफ्टर नवंबर दिसंबर इट विल बी नॉट एट ऑल वंस यू डिसाइड इड होल ईयर विल बी कंसीडर एज ए डिस्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जामिनर विल डेफिनेटली टेस्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स सो सर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स डिस्कॉन्टिन्यू ऑपरेशन Separate classification is necessary. So we have given the example net sales $200,000, cost of goods sold is 1,50,000. So net sales minus cost of goods sold, 50,000 is your GP, your sailing expenses 60,000, your administrative expenses is 5,000. So total 11,000. So 39,000. Now, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम सपोज दैट एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा डिसकॉन्टिन्यू ऑपरेशन इज ए पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और नॉट टेल मी वॉट वॉट यू आर गोइंग टू आंसर डिसकॉन्टिन्यू ऑपरेशन इज ए पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और नॉट सर हंड्रेड परसेंट ना

Is a part of net income. So if it is a part of net income, automatically it will be part of a comprehensive income statement. So why you're getting confused? Statement of comprehensive income. So statement of comprehensive income is part of net income or loss and OCA. Now What are the things come under the OCI? This is very, very important. Now let's understand what are the things cover under the OCI. So OCI meaning means what? Apkya means. What do you understand from OCI? One word. Just mention one word over here, sir. We exactly know this OCI means. Sir, OCI means unrealized not only profit unrealized unrealized profit as well loss oci is a part of net income or not oci is a part of net income or not no sir oci is not the part of OCA is not the part of net income. OCA is a part of comprehensive income. Yes, so OCA is a part of comprehensive. Now let's understand one by one.

Derivatives. It's a basically derivative instrument, but you have to understand that, sir. If if question says about cash flow hedge, any unrealized gain or loss. So, sir, which me So, hedging means hedging is a risk elimination, risk management tool. Let's say. व हंड्रेड ग्राम ऑफ गोल्ड द प्राइज इज एटी थाउजेंड क्या रिस्क है वॉट इज द रिस्क किस चीज का डर है यू हैव हंड्रेड ग्राम ऑफ गोल्ड और उसकी प्राइस लेट से एट्टी थाउजेंड है सो वॉट इज द कंसर्न सर कंसर्न इज दैट कि कहीं प्राइस फॉल ना हो जाए सो सपोज दैट यू हैव इंटर विथ कॉन्ट्रेक्ट विद ए कंपनी आई विल सेल गोल्ड इन नियर फ्यूचर इट ए नाइंटी फाइव थाउजेंड तो आपने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि प्राइस फ्यूचर में वॉट एवर ट एवर द प्राइस विल बी इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू सेल इट नाइनटी फाइव थाउजेंड आपने आपकी रिस्क को एलिमिनेट किया, किया आप मुझे बताइए आपने आपकी रिस्क को एलिमिनेट किया यस सर सपोज दैट एक्चुअल में गोल्ड की प्राइस हो गई सेवेंटी फाइव थाउजेंड स्टिल सेवेंटी फाइव एक्चुअल प्राइस एक्चुअल प्राइस इज सेवेंटी फाइव still you can sell it 95,000. so how much your unrealized profit? how much is your unrealized profit, sir? straightforward. my unrealized profit is 20,000. why, sir? because you are still able to sell at a predetermined price, which is 95,000, even though actual price is 75,000, but because you have done the forward contract with the party. So, this 20,000 is a part of net income or OCI. So, this 20,000 is a part of OCI. Getting my point? First thing. Second thing, you have an investment. Fair value available for sale debt security. Just noted down debt securities. Now, let me help you with the example you have a bond $10000 and you are going to sell in very near future you have just classified available for sale available one. नाउ इसकी अवेलेबल फॉर सेल नाउ प्राइस इज एटी फाइव हंड्रेड दिस इज एक्चुअल लॉस दिस इज अनियलाइज लॉस दिस इज एक्चुअल और अनरियलाइज अभी प्रीवियस एग्जाम्पल को समझान सर दिस इज अनियलाइज लॉस स्टिल दिस फिफ्टीन हंड्रेड लॉस विल बी ओसीए। Suppose that instead of bond, I have an equity security. This 15,000 will be part of net income or OCI? I'm emphasis on equity security. Sir, this will be part of net income. Why? Because, sir, here is mentioned that only debt securities, only. डेट सिक्योरिटी विच इज अवेलेबल फॉर से गेटिंग माई पॉइंट नो इन ए प्रीवियस एग्जाम्पल एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा सर सपोज दैट इन योर प्रीवियस एग्जाम्पल द एक्चुअल प्राइज इज वन लैख तो सर आपको फाइव थाउजेंड का लॉस हो गया क्या

एक्चुअल गोल्ड की कीमत भी तो वन लैख हो गई गेटिंग माई पॉइंट दिस इज आई हैव एक्चुअल गोल्ड टेन ग्राम विच इज एटीन थाउजेंड नाउ उसकी वैल्यू तो एक लाख हो गई तो इवन दो आई हैव लॉस्ट थाउजेंड बट माई गेन स्टिल इज फिफ्टीन थाउजेंड सो मैंने अपने लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए बिकॉज आई हैव अ कंसर्न फॉर डाउनफॉल आई हैव आई डोंट हैव कंसर्न फॉर द अपवर्ड

now debt securities third one is a translation gain and losses suppose that you have a one subsidiary in australia do you understand about the subsidiary and all australia you are a us based company us company

आपको यूएस में वेन यू हैव टू पब्लिश योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट यू हैव टू प्रिपेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ यूएसडी। सो व्हाट सो वॉट गोइंग टू डू देन? यू विल यू विल ट्रांसलेट ट्रांसलेट ए यू डी टू यूएसडी सो इसका जो गेन आएगा वो रियलाइज होगा या अनरियलाइज होगा द गेन विल बी रियलाइज और अनरियलाइज स यू विल कन्वर्ट एयूडी टू यूएसडी सर स्टिल इट इज बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू पे एनी बडी वी आर जस्ट कन्वर्टिंग अवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम एयूडी टू यूएसडी सो करेंसी एक्सचेंज के कारण वॉट एवर द डिफरेंस दीज गेन विल बी कंसिडर एज ए यहां पर मैंशन किया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ फॉरन ऑपरेशन है सो जस्ट बी स्पेसिफिक विदाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरन ऑपरेशन

क्या हुआ इसमें जो फिफ्टी थाउजेंड की जो लाइबिलिटी थी नाउ इट इज सिक्सटी फाइव थाउजेंड सो इट इज सर इट इज स्टिल अनर लॉस सो वेयर इट विल कम वेयर इट विल कम ओ सी आई सो क्या ये चारों नाम आप याद रख लेंगे इट विल बी इजी फॉर you नॉट कि सर हाँ ये अब हमको लॉजिक से याद हो गया अब लॉजिक से हमने याद करवा दिया तो डेफिनेटली वी कैन रिमेंबर दिस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ऑन ईच बैलेंस शीट डेट यू हैव टू कंसिडर दीज बैलेंसेस अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है सर ये तो फ्लक्चुएट होते रहेंगे आई कैन अंडरस्टैंड कि आपने फर्स्ट जनवरी को फर्स्ट दिसंबर, थर्टी फर्स्ट डिसंबर को आपको लगा था कि नाउ योर प्राइज इज टेन थाउजेंड नेक्स्ट ईयर थर्टी फोर्ट डिसंबर को प्राइस इज ट्वेल्व थाउजेंड सो आपको टू थाउजेंड को अगेन ईयर अभी भी थर्टीन थाउजेंड हो गया था उसके बाद वो ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड हो गया लॉस ऑफ फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड गेटिंग माई बोट ईच बैलेंस शीट डेट यू हैव टू बुक अन सो सर हम इसको सेपरेट क्लासिफिकेशन वाई सेपरेट क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी वाई वी आर नॉट मैंशनिंग इन इनकम स्टेटमेंट वाई वॉट इज द रीजन बींग सो बिगेस्ट रीजन इज दैट कि यूजर को इन्फॉर्म करना कि आपका एक्चुअल प्रॉफिट तो ये है बट इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू अर्न दिस मच ऑफ प्रोफिट और इर इंकर्ड यू आर गोइंग टू इनकर्ड यू आर गोइंग टू सफर दिस मच ऑफ लॉसेस ऑल्सो सो यूजर विल इन्फॉर्म दैट

इनकम स्टेटमेंट इज ऑल्सो दियर एंड स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम स्टेटमेंट इज टू थिंग विल बी पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ ओ सी आई तो अब यहां पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं नेट इनकम दिस इज कॉन्टिन्यूस दिस इज नेट इनकम लॉस ऑन डिफाइंड बेनिफिट प्लान लॉस ऑन डिफाइंड बेनिफिट प्लान फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स थाउजेंड दीज आर दी ओसीआई गेन ऑन द री मेजरिंग सो ये सब क्या है ये सब है ओ सी आई का पार्ट और नेट इनकम और ओसीआई का प्लस माइनस क्या होगा वो हो? नेट इनकम और ओसीआई का टोटल इज ए कॉम समझ में आ गया होगा सभी को क्या कहना चाह रहा हूं ऑफ इनकम स्टेटमेंट इनकम्प्लीट इनकम रिपोर्टिंग सो बिगेस्ट लिमिटेशन ओसीआई इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेट इनकम सो दैट्स वाई दे आर दैट इट्स अ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन बिकॉज इनकम स्टेटमेंट में ओसीआई नहीं आती तो दिस इज वन लिमिटेशन सेकंड सेकेंड अकाउंटिंग इश्यू सो रिकॉग्नाइज बिफोर एक्चुअल कैश दिस द लिमिटेशन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट क्योंकि आपने लेट से यू रिसीव द एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर लेट से आई एम गोइंग टू टीच नेक्स्ट ईयर एंड सपोज दिसंट ईयर ऑल्सो क्या ये इनकम स्टेटमेंट का पार्ट होगा नो no, सर ये इनकम स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होगा बिकॉज इट्स अनवेन्यू विट विच विल बी कंसिडर एज ए अन रेवेन्यू जो कहां आती है इट विल बी पार्ट ऑफ अ बैलेंस शीट लिक्विडिटी असेसमेंट लिमिटेशन अकेले App financial statement income statement say you cannot determine the liquidity because liquidity you need to do a lot of ratio analysis and all you need to analyze the current assets and current liabilities also so income statement alone is insufficient for assessing the liquidity because for a liquidity you have to understand about the current assets as well as current liabilities and current assets and current liabilities are not a part of income statement that's why you are not able to analyze the liquidity of an organization. एंड इनकम स्टेटमेंट में लॉट ऑफ थिंग्स कम अंडर एस्टिमेट एंड जजमेंट्स सो गिव मी वन एग्जांपल ऑफ एस्टिमेट एंड जजमेंट्स एक एग्जांपल का नाम बताइए जो जजमेंट और उसका पार्ट होती है जो मैनेजमेंट जजमेंट लेता है वाइल्ड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाइल्ड प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट गिव मी वन एग्जाम्पल ऑफ जजमेंट एस्टिमेट सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल्स लिटिगेशन तो ये क्या है जजमेंट है एस्टीमेट है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ये क्या करते हो आप एस्टीमेट करते हो ना कि ये प्राइस हो सकती है सो दिस आर दी लिमिटेशन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट और यहां पर हमारी इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड यूनिट क्या होती है फिनिश होती है सो so, आप सभी को समझ में आ गया होगा सारी चीजें समझ में आई नहीं आई कि जो भी हमने पढ़ा है तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेक फीडबैक फ्रॉम ऑल ऑफ यू रिगार्डिंग कि कितने बच्चों को हंड्रेड परसेंट समझ में आया है मैंने एक पोल क्रिएट कराया जिसपे आपको यस और नो आंसर देना है कि सर जितना अभी तक आपने पढ़ाया वी आर अप टू द मार्क और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ऑनेस्टली फीडबैक देंगे बिकॉज मैं फीडबैक ले रहा हूं तो मैंने पढ़ाया है तो आपको समझ में आना चाहिए सो फीडबैक फटाफट दे दो बेटा सो आई कैन Understand कि आपको कितनी परसेंट चीजें समझ में आई हैं सो ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट सेटिस्फेक्शन रेट है मतलब सभी को सब कुछ समझ में आ गया दैट्स एक्सीलेंट थिंग चलिए तो अब अगली यूनिट की ओर हम मूव ऑन करेंगे